नमस्कार। ब्रह्मदक्षाश्व देवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुताश्वेश चरक प्रभृतिभ्यो नमो नमः। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृतैः मनोवाक्काय दोषाणां हर्त्रैः पतये नमः। आज हम व्याधित रूपीय जो विमान जो अध्याय है उसका अध्ययन करेंगे। व्याधित रूपीय विमान अध्याय ये सातवां अध्याय है और हमने कल 6 चैप्टर देखा था। आज हम सातवां अध्याय देखने वाले हैं व्याधित रूपीय। ये एक विशेष अध्याय है इसलिए फिर से इसका विमान स्थान में उल्लेख किया गया है। पूर्वाध्याय में व्याधि का प्रतिपादन हमने देखा कि व्याधि अपरिसंख्य प्रकार के होते हैं और व्याधि के कुछ लक्षण भी देखे और फिर उसके बाद में चिकित्सा कैसे करनी चाहिए उसके मार्ग भी देखे, प्रति पुरुष कैसा विचार करना चाहिए ये भी देखा। अब इसके अनुषंग से इसी प्रसंग से व्याधित रूपीय इस अध्याय का वर्णन कर रहे हैं। हम आगे देखेंगे। इह खलु द्वौ पुरुषो व्याधित रूपो भवतः। व्याधित की व्याख्या है, व्याधित इत का इसका अर्थ है व्याधि जातो यस्य सः व्याधिता, मतलब रुग्ण। जो व्याधित है मतलब व्याधिग्रस्त है उसको व्याधित कहते हैं, और व्याधित रूप मतलब व्याधिग्रस्त जो है उसके रूपों का यहाँ पे वर्णन किया है। तो दो प्रकार के पुरुष व्याधित रूप प्रकार होते हैं, वो है गुरु व्याधित और लघु व्याधित। मतलब गुरु जिस जिस व्याधि का लक्षण, ये गुरु है मतलब बहुत गंभीर व्याधि है या बहुत बड़ा व्याधि है, वो गुरु व्याधित है। और दूसरा है लघु व्याधित, मतलब जिसको बहुत छोटा सा कुछ व्याधि हुआ है या ज्यादा गंभीर नहीं है, ऐसा साध्य व्याधि जिसको लघु व्याधित कहते हैं। तत्र गुरु व्याधिता एक कहा सत्व बल शरीर संपद उपे तत्वात लघु व्याधित इव दृश्यते। पर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को बहुत बड़ा व्याधि हुआ है, गुरु व्याधि हुआ है, पर उसके सत्व के उत्कर्ष से बल शरीर बल अच्छा होने से और शरीर का संपत होने से, उसका अच्छा होने सभी ये चीजें अच्छे होने से वो लघु व्याधित ऐसा दिखाई प्रतीत होता है। मतलब किसी को देखिए व्याधि बहुत बड़ा होता है पर उसके जो मन का बल होता है, शरीर का बल होता है या शरीर संपत जो होता है उसके कारण सारा अच्छा रहता है, उसके कारण वो व्याधि छोटा दिखाई देता है। मतलब गुरु व्याधित व्यक्ति लघु व्याधित है ऐसा उसके सत्वादि बलों के ऊपर दिखाई देता है। मतलब वो इतना दिखाता नहीं कि मुझे बहुत बड़ा व्याधि हुआ है, वो वेदना सहन कर सकता है या फिर उसको कितने भी प्रकार की बड़ी बड़ी वेदना हो, लक्षण हो, फिर भी वो हमें उसके बल के रूप बल के कारण वो छोटी लगती है। ऐसे कुछ लोग होते हैं। दूसरे कुछ ऐसे होते हैं लघु व्याधिता अपरा। अपर मतलब ऐसे कुछ और होते हैं जिनको लघु व्याधि हुआ है, मतलब छोटा सा कुछ व्याधि हुआ है किंतु सत्वादी नाम अधमत्वात, उनको सत्व का बल कम रहता है, शरीर बल नहीं रहता है, शरीर का संपत्त नहीं रहता है, सार अच्छा नहीं रहता है, तो वो गुरु व्याधित इव दृश्यते, तो वो बहुत बड़ा व्याधि हुआ है इस प्रकार से दिखाया जाता है। कई लोगों के ऐसा स्वभाव भी होता है कि छोटा सा कुछ हुआ रहता है लेकिन वो इतना उसको बड़ा करके बताते हैं या इतना बड़ा करके उसका वर्णन करते हैं कि ऐसा लगता है कि इसको बहुत, या उसके लक्षण भी होते हैं छोटी सी वेदना होती है पर वो इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं या फिर इतने बड़ा, मतलब ऐसा पूरा उनका फिजिकल और मेंटल ऐसे स्टेट होती है कि वो बड़ा व्याधि बहुत बड़ा है ऐसा दिखाई देता है। ये मतलब यहाँ पे दो घटक बताए कि जो गुरु व्याधि थे बड़ा व्याधि हुआ है वो उसके सत्वादि के बल के कारण लघु दिखाई देता है। दूसरे कुछ ऐसे होते हैं जिसको लघु व्याधि तो है ऐसा दिखाई देता, लघु व्याधि होता है पर उसके सत्वादि के अधमत्व से वो बड़ा व्याधि है ऐसा वैद्य को दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, तयो हो ऐसे दोनों कंडीशन में अकुशलाहा, जिसको इस व्याधि के समुचित ज्ञान नहीं है। जैसे हमने चौथे अध्याय में रोगा त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय और रोगानिकम 6 अध्याय में कल देखा कि व्याधि का परीक्षण ये कभी एकांतिक नहीं करना चाहिए, सिर्फ नाम के ऊपर से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ एक परीक्षण से चिकित्सा नहीं करनी चाहिए बल्कि समुचित व्यापरीक्षाओं का विचार करके समुच प्रत्यक्ष आपदोपदेश अनुमान युक्ति आदि जो प्रमाण है इन सारे प्रमाणों के आधार परीक्षण करके दे भिषक दोष भिषक भेषज द्रव्य काल वय बल सात्म्य सार आहार इन सभी का विचार करके फिर हम व्याधि का निश्चय करेंगे और फिर उसके तरह चिकित्सा करेंगे, यह हमने देखा। तो ऐसा जो नहीं करता है या जिसको ये पता नहीं है, जिसने विमान स्थान कभी पढ़ा ही नहीं होगा, ऐसा जो अकुशल व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, केवलम चक्षुष एवं
यहाँ पे चक्षु चक्षु ये नेत्र के लिए भी ले सकते हैं या साधन स्वरूपी भी ले सकते हैं। वो केवल एक परीक्षा से या केवल नेत्र परीक्षा से रूपम दृष्ट्वा सिर्फ लक्षणों को देख के ऐसा अध्यवसाय करेगा कि ये व्याधि गुरु व्याधित है या ये व्याधि लघु व्याधित है, और क्या करेगा, वी प्रतिपद्यन्ते, मतलब उसको कर्तव्य करने में शुरू करेगा। अकुशल व्यक्ति क्या करेगा, केवल चक्षु से रूप देख के ऐसा तय करेगा कि ये गुरु व्याधित है ये लघु व्याधित है, और ऐसी अवस्था में चिकित्सा शुरू कर देगा। अकुशल व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो कुशल को क्या करना पड़े चाहिए, कुशल को व्याधि का समुचित रूप से ज्ञान करके जो असल में गुरु व्याधित है और असल में लघु व्याधित है उसके पूरे परीक्षण करके फिर चिकित्सा करनी चाहिए। पर कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि सिर्फ एकांतिक परीक्षा करते हैं या सिर्फ लक्षणों को देख के सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के कारण वो गुरु व्याधित को लघु व्याधित समझते हैं और लघु व्याधित को गुरु व्याधित समझते हैं, और ऐसे गलत फहमी से होके चिकित्सा शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है वो आगे बताया है, नहि ज्ञानावयवेन कृत्स्ने ज्ञेये विज्ञान उपपद्यते। ज्ञेय इसका अर्थ है जानने योग्य विषय, उसकी सप्तमी है। जानने योग्य विषय में अगर आपको जिस विषय को आपको ज्ञान प्राप्त करना है उसके प्रति ज्ञान के अवयव से समुचित ज्ञान प्राप्त नहीं होता। नहि ज्ञान अवयवेन, ज्ञान के अवयव से, अवयव ये ऐसा सेम सूत्र चतुर्थ अध्याय में होके गया है। केवल एक परीक्षण करके हम व्याधि का निश्चय नहीं कर सकते, इसलिए समुचित त्रिविध परीक्षाओं के समुदाय से हमें ज्ञान के समुदाय से समुचित कृत्स्ने समुचित ज्ञेय मतलब ज्ञेय जो भाव है उसको विज्ञान उपद्यत उसका विज्ञान कर लेना चाहिए, मतलब ज्ञान के उस समुदाय से उसका ज्ञान पूरा समुचित ज्ञान नहीं होता, एकांतिक ही होता है। जैसे चौथे अध्याय के व्याख्यान में मैंने एक हाथी और चार अंधे व्यक्तियों का वर्णन किया था कि एक तीन चार अंधे व्यक्तियों को हाथी उसके सामने रखा गया और उनको पूछा गया कि आप बताइए कि हाथी कैसा है। जिस व्यक्ति ने उसके पैर को हाथ लगाया उसने कहा कि हाथी एक खंभे जैसा है। जैसे उसने जिस जिस अंधे व्यक्ति ने उसके कर्ण को हाथ लगाया उसने कहा कि हाथी यह शूर्पणख जैसा है। जिसने उसके पूंछ को हाथ लगाया उसने कहा कि हाथी यह रस्सी जैसा है। मतलब तीनों ने हाथी का परीक्षण किया पर वो एकांतिक करने से उनका समुचित वर्णन वो नहीं कर पाए। उस हाथी इस घटक का समुचित ज्ञान उनको नहीं हो पाया। इसलिए हमारी कंडीशन भी कभी कभी ऐसे होती है कि हम अंधे व्यक्ति की तरह इस हाथी को पूरा देख नहीं पाते और एकांतिक निर्णय करके गलतियां कर देते हैं। इसलिए ज्ञान के अवयव अवयव से मतलब अंश से एकांतिक ज्ञान से कभी भी ज्ञेय विषय का समुचित विज्ञान नहीं हो सकता। विप्रतिपन्नास्तु खलु रोग ज्ञाने उपक्रम युक्ति ज्ञाने च अपि विप्रतिपद्यन्ते। जिसको प्रतिपन्न ही नहीं है मतलब व्याधि समझा ही नहीं है वो क्या करेगा, रोग ज्ञान में, रोग के ज्ञान करने में और उपक्रम युक्ति ज्ञाने, उपक्रम युक्ति ये विशेष शब्द यहाँ पे उपयोग में लाया है। उपक्रम का अर्थ है भेषज प्रयोग मतलब चिकित्सा, और उसकी युक्ति मतलब विकार के अनुसार योजना। टीका है, उपक्रमस्य भेषज प्रयोगस्य विकारेण समम योजना इति उपक्रम युक्ति ही। मतलब आपको चिकित्सा क्या करनी कैसे करनी है, विकारम प्रति करनी है, विकार के अनुसार, दोषों के अनुसार, हेतु के अनुसार आपको चिकित्सा करनी है। पर जिस व्यक्ति को एकांतिक परीक्षण की आदत लगी है, जो समुचित परीक्षण नहीं करता है, वो रोग ज्ञान में और उपक्रम युक्ति के ज्ञान में प्रतिपन्न नहीं होता, कर्तव्यम किम कर्तव्य मूढ़ हो जाता है वो, उसको समुचित ज्ञान नहीं होता है। वो क्या करते हैं, ते यदा गुरु व्याधितम लघु व्याधितम रूपम आसादयन्ति। जो व्यक्ति गुरु व्याधित रुग्णों को लघु व्याधित समझते हैं वो क्या करते हैं, तदातम अल्पदोषम मत्वा, वो कहते हैं ये तो लघु व्याधित है ये अल्प दोष है, और इसके लिए संशोधन काले जब उस व्याधि का शोधन का काल होगा उसमें इस काले मृदु संशोधन प्रयच्छता, उसमें एक्चुअली तीव्र बल से वह शोधन करना चाहिए क्योंकि व्याधि बड़ा है। पर ये लोग ये रुग्ण ये वैद्य उस व्यक्ति को लघु व्याधित समझते हुए उनको अल्प संशोधन देते हैं या मृदु संशोधन देते हैं, और क्या करते हैं, प्रयच्छता भूय एव अस्य दोषान उदीरयन्ति, और दोषों को और विकृत कर देते हैं।
जहां पे अच्छा शोधन करना चाहिए, प्रभुत्व मात्रा में शोधन करना चाहिए, वहां अल्प शोधन करने से दोष और विकृत हो जाते हैं। उनको वो अवस्था ही समझ में नहीं आई, दोषों का बल ही समझ में नहीं आया और गलती कर दी। दूसरा क्या होता है, यदा तू लघु व्याधितम गुरु व्याधित रूपम आसादयंती, जो व्यक्ति लघु व्याधित को गुरु व्याधित समझता है वो क्या करता है, तदा तम महादोषम मत्वा, ये महादोष है इसमें दोष बलवान है ऐसा समझ के संशोधन काले अस्मयी तीक्ष्णम संशोधनम प्रयच्छता, शोधन काल में फिर इसको अत्यंत प्रभुत तीक्ष्ण शोधन देता है और दोषान अति निरुत्य, इस शोधन के कारण दोषों को अति मात्रा में निर्हरण करके शरीरम अस्य क्षिणवती, उसके शरीर का नाश कर देता है। एवं एवं अवयवेन ज्ञानस्य कृत्स्ने ज्ञेये ज्ञानम अभिमन्यमानः परिस्खलति, इस प्रकार से समुचित ज्ञान न होने से वो व्यक्ति परिस्खलति मतलब गलती कर देता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है, विदित वेदितव्यस्तु, जिसने वेद का समुचित अध्ययन किया है, ये शब्द ऐसा ही शब्द चतुर्थ अध्याय में आके गया है, जिसने वेदित विदित वेदितव्य, विदित मतलब ज्ञान किया है और वेदितव्य मतलब जिसने ज्ञान का प्राप्ति की है, समुचित रूप में ज्ञान से प्राप्त की है, ऐसा जो भिषज है वो सर्वम सर्वथा यथा संभवम, वो सभी प्रकार से यथासंभव मतलब जिस ज्ञान साधन की आवश्यकता है वहां पे उसका उपयोग करके परीक्षम परीक्ष समुचित रूप से परीक्षा करके अध्यवस्यंतो, फिर निश्चय करता है कि व्याधि क्या है, कौन से हेतु से प्रकोपित है, कौन से स्थान में संस्कृत है, कौन से दोष ने विकृत किया है, दोष का कौन सा गुण विकृत है, तरह है या तम है, दोष्य कौन सा है, और फिर सम्मूषणा कहाँ हुई है, ये उपद्रव है या मूल संप्राप्ति है या व्याधि संकर है या निदानार्थकर रोग है, ये कितने काल में जीर्ण हुआ है, नव है, साध्य है आम, साध्य है असाध्य है, आम है निराम है, नव जीर्ण, ऐसे सभी प्रकार से परीक्षण करके फिर अध्यवसाय करता है। वो न क्वचिदपि विप्रतिपद्यन्ते, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता, चिकित्सा अच्छी प्रकार से करता है और यथा इष्टम अर्थम अभिनिर्वर्तयति चेपि, और उसको जो प्राप्त उसको जो इष्ट है मतलब चिकित्सा से रुग्ण की व्याधि शांत होना, ये उसको जो अभिप्रेत है उसका जो प्रयोजन है व्याधि नाश और धातु साम्य, वो प्रस्थापित कर सकता है। भवन्ति चात्र, इसलिए ऐसा कहा है कि सत्वादीनाम विकल्पेन व्याधि रूपम अथातुरे दृष्ट्वा विप्रतिपद्यन्ते बाला व्याधि बला बले, बाल मतलब अज्ञ व्यक्ति, जो अज्ञ वैद्य है उनको बाल कहा है, ऐसे व्यक्ति सत्वादि का विकल्प न समझते हुए मतलब मन शरीर बल दूष्य सार सहनन प्रकृति विकृति इन सब का विचार न करते हुए व्याधि के से केवल रूप के ही अनुसार चिकित्सा करता है, वो व्याधि के बलाबल समझने में सक्षम नहीं है। ते मतलब बाल व्यक्ति भेषजम अयोगेन कुर्वन्ति अज्ञान मोहिताः व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महते पिवा, वो जो अज्ञ व्यक्ति है बाल व्यक्ति है वो भेषज का अयोग करता है। अयोग का अर्थ यहाँ पे जहाँ पे अच्छी मात्रा में देना चाहिए वहां पे एक तो वो अति मात्रा में देगा या अल्प मात्रा में देगा या मिथ्या स्वरूप में देगा, इस प्रकार से अज्ञान मोहित होके वो भेषज गलत पद्धति से उपयोग में लाते हैं और जो व्याधित व्यक्ति है उनमें व्याधिता नाम विनाशाय, उनका व्याधित मतलब जो रुग्ण था उसका विनाश कर देता है, या फिर महते अपि क्लेशाय, या बहुत बड़ा क्लेश उस रुग्णों को प्रदान कर देता है। प्राज्ञ व्यक्ति क्या करता है उसका वर्णन किया है, प्राज्ञास्तु सर्वम आज्ञाय परीक्षम इह सर्वथा, प्राज्ञा जो प्राज्ञ व्यक्ति है वो सर्वम आज्ञाय, आज्ञाय मतलब सबका ज्ञान करके, ज्ञ धातु है और उसको आ उपसर्ग लगा है, सभी प्रकार के समुचित प्रकार से व्याधि का और चिकित्सा का और भेषज का परीक्षण करके ज्ञान प्राप्त करके परीक्षम इह सर्वथा परीक्षा करता है और उसमें प्रयोगेशु भेषजानाम कदाचित न स्खलंती, और औषध के प्रयोग में कभी भी गलती नहीं कर सकता है। इसलिए हमें तय करना है कि हमें प्राज्ञ होना है या बाल होना है। इसके आगे कहते हैं इति व्याधित रूपाधिकारे, यहाँ पे ये व्याधित रूप का अधिकार प्रथम अधिकरण इस अध्याय का खत्म हुआ, उसमें व्याधित रूप संख्या अग्र संभवम, व्याधित व्याधित मतलब रुग्ण, उसके रूप उसकी संख्या उसका परिमाण और उत्पत्ति, इसके अनुसार व्याधित रूप हेतु विप्रतिपत्तो, व्याधित के रूप में जो गलतियां हो सकती है उसका कारणम
और स अपवादम उसके कारण बताए और अपवाद के साथ संप्रतिपत्ति कारण बताए। अनपवादम निशम्य, ये अनपवाद रूप से हमें समझना चाहिए। भगवंतम अग्निवेशः, भगवंतम आत्रेयम् अग्निवेशः अतः परम परम सर्व कृमिणाम पुरुष संश्रयाणाम। यहाँ पे गलती से पुरुष संश्रयाणाम ऐसा लिखा गया है, ये संपादन करते हुए हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ टीकाकारों ने लिखा है नीचे पुरुष ऐसा करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पुरुष संश्रित कृमि का वर्णन नहीं है, रक्तज भी है, श्लेष्मज भी है, मलज भी है और उसके साथ पुरुष है, इसलिए यहाँ पे पुरुष पाठभेद न करते हुए पुरुष ऐसा पाठभेद करना चाहिए। तो पुरुष संश्रयाणाम विविध कृमिणाम समुत्थान सान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सित विशेषान प्रक्षोह उपसंग्रुह्य पादो। ऐसे व्याधित रूपाधिकार का वर्णन करने के बाद अत्रेय अत्रेय जी को अग्निवेश ने उनके चरण पकड़कर पादो उपसंग्रुह्य, अत्रेय जी के चरण पकड़कर उनको ऐसा कहा कि सभी कृमियों के पुरुष में जो जो कृमि होते हैं उनके हेतु स्थान संस्थान, संस्था मतलब लक्षण, वर्ण नाम प्रभाव और चिकित्सा, इसके अनुसार मुझे वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे टीकाकारों ने लिखा है कि मतलब गंगाधर जी ने और योगेंद्रनाथ सेन ने टीका की है कि इस अधिकरण के बाद ही कृमि का अधिकरण क्यों कहा गया है, क्योंकि जिस प्रकार से गुरु व्याधित को हम कभी कभी लघु व्याधित समझते हैं और कभी कभी लघु व्याधित को गुरु व्याधित समझते हैं, उसी प्रकार प्रायः ऐसा होता है कि कृमि कोष्ठी व्यक्ति को हम अकृमि कोष्ठ समझते हैं और जिसमें कृमि नहीं है उसको हम कृमि की चिकित्सा करके गलतियां कर सकते हैं, इसलिए कृमि का अधिकरण व्याधित रूप के अधिकरण के बाद वर्णन किया है। अब इसका सविस्तर वर्णन किया है। अब यहाँ पे अथ अस्मै प्रोवाच भगवान आत्रेयः, इह खलु अग्नि विधा कृमयः पूर्वमुद्दिष्टः नानाविधेन प्रविभागेन अन्यत्र सहजेभ्यः। अब वो बताते हैं कि सूत्रस्थान के अध्याय 19 में अष्टोदरीय अध्याय में विंशति विधा 20 प्रकार के कृमियों के नाम हमने उद्दिष्ट हमने वर्णन करके रखे हैं और वो कैसे नानाविध प्रविभागे ने बताया है, मतलब इतने पुरुषेच के, इतने श्लेष्मज के, इतने रक्तज के, ऐसे हमने नानाविध विभाग करके उसके पूर्व उद्दिष्ट किए, सिर्फ वर्णन किया है। किंतु अन्यत्र सहजेभ्यः, सहज कृमियों का वर्णन किंतु हमने नहीं किया है। यहाँ पे टीकाकार फिर कहते हैं योग चक्रपाणि जी कि मनुष्य शरीर में दो प्रकार के कृमि होते हैं, वैकारिक और अवैकारिक। सहज कृमि ये अवैकारिक है, सहज इसका अर्थ शरीरेण सहजाता, शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं, शरीर में अवतिष्ठ होते हैं और शरीर को उपकारक होते हैं, आहार पचन में वो उपकारक होते हैं, शरीर के जो नित्य व्यवहार है उसमें ये कृमि उपकारक होते हैं और उसको सहज कृमि कहते हैं, जिसको आज मॉडर्न साइंस गट बैक्टीरिया के नाम से जानता है। ये अपरिसंख्य है ऐसा बताया है, वो बताते हैं वो अवैकारिका कृमयः अपरिसंख्यः। गंगाधर जी ने बताया है कि शरीर में जो अवैकारिक सहज कृमि है वो अपरिसंख्यय है और दूसरे जो वैकारिक है उनका वर्णन हमने यहाँ पे किया है, मतलब रक्तज पुरुषज श्लेष्मज और मलज, जिन कृमियों का 20 कृमियों का वर्णन यहाँ पे किया है वो वैकारिक है, मतलब विकार उत्पन्न करने वाले हैं, पर जो विकार उत्पन्न नहीं करते ऐसे और अपरिसंख्यय जो कृमि है जो सहज है उसका वर्णन हमने यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि हमारा अधिकरण विकार की चिकित्सा करना ऐसा है, इसलिए सहज कृमियों का वर्णन नहीं किया है। अगर आपको सहज कृमियों का वर्णन पढ़ना है तो इसी सूत्र की ज्योतिष चंद्र सरस्वती की जो टीका है चक्र चरक प्रदीपिका, उसके टीका में सहज कृमियों का वर्णन बहुत सुंदर पद्धति से किया है। फिर आगे वो कहते हैं तत्र मलो नहीं ते पुनः प्रकृति भी विभज्यमा विभज्यमाना चतुर्विधा भवन्ति। प्रकृति मतलब यहाँ पे कारण अर्थ है, प्रकृति का अर्थ यहाँ पे कारण है, वो कारण के अनुसार भेद करके चतुर्विध उनके प्रकार किए हैं। वो कौन से हैं, पुरीषज श्लेष्मज शोणितज और मलज। पुरीषज श्लेष्मज शोणितज और मलज इसे चार कारणों के अनुसार चार प्रकार किए हैं। तत्र मलहा बाह्य अभ्यंतरश्च, उसमें से मल कृमि दो प्रकार के होते हैं, बाह्य और अभ्यंतर। तत्र बाह्य मलजान बाह्य मलजातान
मलजान संक्षक्ष में यहाँ पे हम सिर्फ बाह्य मलज और कृमि जो है उनका वर्णन करेंगे। तेषां समुत्थानम, उनका हेतु, अभी सप्तविध प्रकार से हर कृमि का वर्णन किया है, उसका एक एक देखते हैं। सब समुत्थान मतलब हेतु क्या है, मृजावर्जन। मृजा का अर्थ है शुचिता, जहां पे कोई व्यक्ति अगर शुचिता पालन नहीं कर रहा है, स्नान नहीं कर रहा है, या केश संप्रसारण नहीं कर रहा है, या मल संचय के सारे कर्म, दंत धावन नहीं, जो जो दिनचर्या में बताया है वो नहीं कर रहा है, शुचिता का पालन नहीं कर रहा है, तो उसमें ये बाह्य मलज कृमि उत्पन्न होते हैं। स्थान क्या है उनका, तो केश श्मश्रु लोम पक्ष्म वासांसी, शरीर के ऊपर उत्पन्न हुए केश, श्मश्रु मतलब दाढ़ी के बाल, लोम मतलब शरीर के ऊपर के बाल, पक्ष्म मतलब नेत्रों के बाल, और वासांसी मतलब जो हम वस्त्र धारण करते हैं, इस वस्त्रों पे ये कृमि होते हैं। फिर संस्थान, उनके लक्षण क्या है, तो अणवाहा तिलाकृतयाः बहुपादाश्च, अत्यंत अणु होते हैं, अणवा अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, तिलाकृति होते हैं, और बहुपाद उनको बहुसंख्या में उनको हस्तपाद होते हैं। वर्ण क्या है उनका, कृष्णः शुक्लः, कृष्णवर्णी और या फिर शुक्लवर्णी, ऐसे दो प्रकार के उनका वर्ण है। नाम उनके हैं यूकाहा और पिपीलिकाहा, एक यूका होते हैं और दूसरा पिपीलिका, जिसको लिक्षा भी कहते हैं। प्रभाव क्या है उनका, कंडुजनन, शरीर के ऊपर जहां ये कृमि है वहां कंडु उत्पन्न करना, कोठ पिड़का की उत्पत्ति करना, ये दो, और च में और भी कोई उसके अनुसार ये लक्षण उत्पन्न कर सकते हैं। चिकित्सितम तो खलु वेशम, की चिकित्सा क्या है, तो अपकर्षण, मलोपघात और मलकराणाम भावानाम अनुपसेवनम। प्रथमतः अपकर्षण करना चाहिए, फिर मल का उपघात करना चाहिए, और फिर जो मल कर हेतु है, मल वृद्धि कर हेतु, उनका उपसेवन करना नहीं चाहिए। इस प्रकार से त्रिविध प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पे टीकाकारों ने एक टीका की है कि जो हम नाम देते हैं कृमियों का, ये नाम स्वशास्त्र व्यवहार सिद्ध है, मतलब हमारे शास्त्र के व्यवहार के लिए यह पर्याप्त है, और देशांतर प्रसिद्ध, मतलब नाम जो दिए हैं यहाँ पे यूका पिपीलिका या फिर आगे के कृमियों के प्रकार जो नामकरण किए हैं, वो देशांतर में प्रसिद्ध थे, उस समय में व्यवहार में प्रसिद्ध थे, तो ये नाम उन्होंने दिए हैं। अब ये मलज कृमियों का वर्णन यहाँ पे हो चुका। आगे प्रभाव का एक टीका है, यहाँ उनका प्रभाव वर्णन किया है, तो प्रभाव का अर्थ है स्वशक्ति संपाद्य, मतलब उनके उपस्थिति से क्या क्या कार्य वो करते हैं, ऐसा प्रभाव का एक और अर्थ यहाँ पे हमें मिलता है। प्रथम अध्याय में प्रभाव का अर्थ चिंत्य प्रभाव था, और सुश्रुत में अचिंत्य प्रभाव का वर्णन किया है, जो रसादि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत् प्रभावजम, ये प्रभाव का वर्णन विमानस्थान में नहीं है। आगे शोणितज कृमि है, हमने कुष्ठ निदान का अध्याय जब देखा था तो उस समय शोणितज रक्तज कृमियों का वर्णन किया था, अब इसका विस्तार से वर्णन यहाँ पे किया है। शोणितजानाम तु खलु कुष्ठ ही समानम समुत्थानम, शोणितज जो कृमि है उनका हेतु है कुष्ठ के समान है, मतलब कुष्ठ के भी हेतु ये कृमि है और कुष्ठ में भी ये कृमि उत्पन्न हो सकते हैं, दो प्रकार के उसका वर्णन कर सकते हैं। उनके स्थान है रक्तवाही धमनी, यह रक्तवाही धमनी से अर्थ है, धमनी के शब्द का अर्थ है श्रुतस, तो रक्त व श्रुतस ये इनका स्थान है। संस्थान क्या है, अणवाहा वृत्ताहा अपादाहा, सूक्ष्म होते हैं, गोलाकार होते हैं, या अपाद जिनको पाद नहीं है, या सूक्ष्मत्वात् एके भवन्ति अदृश्या, या इतने सूक्ष्म होते हैं कि नेत्रों को दृश्य नहीं है। अब इनका निर्णय कैसा किया होगा, इनके पास ऐसे कोई माइक्रोस्कोप थे क्या, ये पता नहीं अभी हमें, पर इनका वर्णन तो करके रखा है, मतलब वर्ण वर्णन किया है, संस्थान लक्षण वर्णन किया है, कैसे दिखते हैं इसका वर्ण, मतलब इनके पास, हमारे हमारे आचार्यों के पास ऐसे कोई साधन होंगे जिससे ये नेत्रों को दिखाई न देने वाले कृमि का भी देख सकते थे, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होंगे इनके पास, तभी तो वर्णन किया है। तो ऐसे भवंती अदृश्य अपि, भवंती अदृश्य अपि कृमि, आंतरिक मलज मतलब पुरुषज कृमि, इसका वर्णन आगे आने वाला है। तो सूक्ष्मत्वात ऐसे होते हैं जो अदृश्य होते हैं, उनका वर्ण ताम्र वर्णी होता है, क्योंकि रक्त रक्त के कुष्ठ के समान है, इसलिए वर्ण भी उनका उसी के समान। उनके नाम केशाद, केशाद का अर्थ है केश खाने वाले, लोमाद मतलब दोम खाने वाले, लोम द्वीप, सौरस, औडुम्बर, जंतु मातरः इति। अब इनके नामकरण ये दो प्रकार से दिए हैं, एक स्वशास्त्र व्यवहार सिद्ध और देशांतर प्रसिद्ध, इस प्रकार से नामकरण है। फिर आगे कहते हैं उनका प्रभाव मतलब उनका कार्य क्या है, तो केश श्मश्रु नख लोम पक्ष्म, इनका अपध्वंस होना, मैं अभी मैंने बताया कि आभ्यंतर मलज कृमि आगे आने वाले हैं, उनका आगे आने वाला है।
केश श्मश्रु नख लोम पक्ष्म इनका नाश होता है, वर्ण गतानाम च हर्ष कंडु तोद संसर्पणानि। और अगर वर्ण उत्पन्न हुए तो वर्ण में अगर ये कृमि उत्पन्न होते हैं तो वहां पे वर्ण में हर्ष कंडु और तोद और संसर्पण मतलब वहां पे कृमि चलते हैं, इस प्रकार की वेदना होती है। अतिवृद्धा नाम अगर ये कृमि बढ़ गए तो ये त्वचा शिरा स्नायु मांस तरुणास्थि इनका भक्षण करते हैं, इसका वर्णन कुष्ठ में हमने देखा है, तो कुष्ठ के समान ही ये उत्पत्ति होते हैं। चिकित्सितम अपि येषां कुष्ठ के समान, इसके चिकित्सा भी कुष्ठ के समान है। वो तद उत्तर काल उपदेक्षा महा, वो हम चिकित्सा स्थान में उसका चिकित्सा का वर्णन किया है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पे जो कृमि की चिकित्सा बताई है वो सिर्फ श्लेष्मज और पुरीषज कृमि की ही चिकित्सा है, रक्तज कृमि की चिकित्सा ये कुष्ठ में है। अब मैं मेरा एक अनुभव आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसको जीर्ण अम्लपित्त था और बार बार अम्लपित्त से बहुत उसको तकलीफ होती थी, फिर अतिसार होते थे, छर्दी होती थी और पूरे शरीर पर कंडू होता था, दाहवत वेदना होती थी, मतलब पिटी पिटिका आती थी या कई मंडलाकार रक्तवर्णी मंडलाकार उत्पन्न होते थे, वो बहुत तंग आ चुका था। सारी चिकित्सा आधुनिक चिकित्सा हो चुकी थी, स्टेरॉयड हो चुके थे, आयुर्वेद की चिकित्सा भी हो चुकी थी, वमन हुआ था, विरेचन हुआ था, सब कुछ हुआ था, पर उसके चिकित्सा से कुछ देर के लिए अच्छा लगता था, फिर से वो व्याधि उत्पन्न शुरू हो जाता था। हेतु भी देख लेते, हेतु सारे संतर्पण के थे, जब मेरे पास आया तो मैंने हेतु देखे, सारे संतर्पण के थे, क्लेद निर्माण करने वाले हेतु थे। तो मैंने उनको रक्तज कृमि की चिकित्सा की, जो कुष्ठ में चिकित्सा में वर्णन किया है, तो कृमिघ्न चिकित्सा जो कृमिघ्न महाकषाय है वो कृमिघ्न महाकषाय मैंने उस अम्लपित्त के रुग्ण में दिया और वो विद इन 7 डेज पूरा ठीक हो गया, कृमि पतन भी हो गए, मतलब दिखाई नहीं दे पर वो बताता था कि मुझे मल मूत्र के पद का समय कंडू आ रहा है या गले में खिचखिचाहट हो रही है। रक्तज कृमियों का जो नाश है वो अपने आप अंदर ही हो जाता है और वो मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से या क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म होते हैं ये कृमि, ऐसे बड़े बड़े कृमि नहीं दिखाई देंगे आपको, वहां पे अदृश्य कृमि बताए हैं, सूक्ष्मत्वात एक ही अदृश्य, ऐसा रक्तज कृमियों का वर्णन है। तो इनसे कुष्ठ के समान लक्षण भी होते हैं, पर जहां पे रक्त की विकृति होती है वहां पे आपको रक्तज कृमि का विचार करना चाहिए। तो रक्तज कृमि की चिकित्सा आप कैसे करेंगे, तो वो कुष्ठ में जो कृमिघ्न द्रव्य दिए हैं उनकी चिकित्सा करेंगे, या फिर कृमिघ्न महाकषाय में से पूरा महाकषाय, या फिर कृमिघ्न महाकषाय में से किसी एक दो या तीन द्रव्यों को इकट्ठा करके आप उनकी चिकित्सा कर सकते हो। तो फिर आगे हम जाएंगे, अब आगे का है श्लेष्मज कृमि। श्लेष्मज कृमि मतलब क्षीर गुड़ तिल मत्स्य आनूप मांस पिष्टान्न परमान्न कुसुम्ब स्नेह अजीर्ण पूति क्लिन्न संकीर्ण विरुद्ध सात्म्य भोजन समुत्थाना। श्लेष्मज कृमि के समुत्थान क्या है, तो क्षीर गुड़ तिल मत्स्य, क्षीर मतलब दूध, तिल गुड़ मत्स्य पय आनूप मांस। अभी क्षीर गुड़ तेल मतलब इनका इनके विकार, इनसे निर्माण होने वाले विकार, फिर मांस पिष्टान्न मतलब जिस पदार्थ में पीठ डाला गया है या पीठ से बनी हुई जो जो चीजें हैं, आटे से बनी हुई जो जो चीज है उसको पिष्टान्न कहते हैं। परमान्न मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, खीर कहते हैं, वो परमान्न है। या कुसु अन्न कुसुम्ब मतलब जिसको करड़े का तेल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, उसको कुसुम्ब उसके उससे तेल निकलता है। और अजीर्ण भोजन पूति भोजन क्लिन्न भोजन संकीर्ण, संकीर्ण मतलब हित और अहित इकट्ठा करके हम उसकी उसको इकट्ठा करके फिर सेवन करना, फिर विरुद्ध भोजन असात्म्य भोजन, ये सभी उसके हेतु मतलब सारे संतर्पण के हेतु, श्लेष्म प्रकोप के हेतु ही श्लेष्मज कृमियों के लिए है। तेषाम आमाशय स्थान, उनका स्थान आमाशय है। ते प्रवर्धमानः तु ऊर्ध्वम् अधः वा विसर्पति उभयतो, अगर वो मात्रा में बढ़ गए तो ऊर्ध्व और अधो दोनों मार्ग से वो बाहर निकलते हैं, वहां पे जाके वो व्याधि कर देते हैं। संस्थान वर्ण विशेष, उनके संस्थान वर्ण क्या है, तो श्लेष्मज कृमि तीन प्रकार के बताए हैं, तो तीन प्रकार के कृमियों का वर्णन है। पहला श्लेष्मज कृमि वो श्वेत वर्ण का होता है और पृथु वर्ण संस्थान होता है, मतलब वो बड़ा होता है और श्लेष्म वर्ण का होता है।
दूसरा होता है कृमि, जो केचित वृत्त परिणः मतलब गोलाकार होता है, और कंडुपदाकृतया मतलब गंडुपद मतलब जिसको हम मराठी में गांडूल कहते हैं, जो खेत में रहता है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, जो खेत में रहता है और ऐसे छोटा सा सर्प जैसा दिखाई देता है जिसको गंडुपद कहते हैं, ऐसा दिखाई देता है, और वो श्वेतवर्णी या ताम्रावभासा इस प्रकार के शरीर में श्लेष्मज कृमि होता है। तीसरा प्रकार है श्लेष्मज कृमि का, केचित अणवाहा कुछ सूक्ष्म होते हैं, और दीर्घ तंत्वाकृतयः श्वेतः तंतु के आकार के दीर्घ ऐसे बड़े बड़े और श्वेतवर्णी ऐसे कृमि श्लेष्मज कृमि होते हैं। तेषाम त्रिविधानाम इस तीन प्रकार के श्लेष्म निमित्तानाम कृमिणाम जो तीन प्रकार के श्लेष्म निमित्त कृमि है उनके नाम अंतराद उदराद हृदयचर चुरक गर्भ दर्भ पुष्प चुरव दर्भ पुष्प सौगंधिक महागुदाह च इति, ये उनके नाम है। प्रभा उनके नामकरण कैसे किए हैं और कौन क्या है यह अभी हम पता नहीं सकते, पर उस समय में उनके पास ऐसे कुछ साधन होंगे कि उन्होंने उस कृमियों का निश्चय किया होगा और उनको नाम दिया होगा कर्म के अनुसार, मतलब उदराद मतलब उदर खाने वाला, अंतराद मतलब अंतर खाने, ऐसे उनके ना कर्म के अनुसार उनके नामकरण किए होंगे। ये अध्ययन का विषय है। उनके प्रभाव क्या है तो रुल्लास आस्य संस्रवण, देखिए इसके लक्षण शांति से देखिए, रुल्लास मतलब जी मचलना, आस्य संस्रवण मतलब मुंह में पानी आना, अरोचक अविपाक ज्वर मूर्छा जृंभा क्षवथु आनाह अंगमर्द छर्दी कार्श पारुष्यम, इसमें से कई लक्षण हमें सीआरएफ में मिलते हैं, क्रॉनिक रेनल फेल्योर में मिलते हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में कई वैद्य ऐसे हैं जो सीआरएफ में श्लेष्मज कृमि की चिकित्सा करते हैं और अच्छा रिजल्ट उसमें उनको प्राप्त होता है। सीआरएफ में क्रॉनिक रेनल फेल्योर में श्लेष्मज कृमि की चिकित्सा करते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट उनको प्राप्त होता है। फिर आगे है पुरुषज कृमि, पुरुषजहा तुल्य समुत्थाना श्लेष्मज ही, पुरुषज कृमि का भी हेतु श्लेष्मज कृमि के जैसा ही है, मतलब संतर्पण के ही सारे हेतु है। तेषाम स्थान पक्वाशय, अब इसके स्थान पक्वाशय है, ते प्रवर्धमानः तु अधो विसर्पति, अगर वो बढ़ गए तो वो अधः प्रदेश से निकलते हैं और शरीर से बाहर निकलते हैं। यदा पुनः यस्य पुनः आमाशय अभिमुख, अगर कोई कृमि आमाशय अभिमुख मतलब ऊपर चले गए तो स्युः यद अंतरम तदंतरम तस्य उद्गार निश्वासः पुरुष गंधिना स्युः, अगर जिसके ये पुरुषज कृमि पक्वाशय से आमाशय तक जाते हैं तो ऐसे रुग्णों के मुख से पुरुष गंध आने लगता है। संस्थान वर्ण विशेषास्तु सूक्ष्म वृत्त, ऐसी एक कंडीशन एलोपैथी में है, एक पेशेंट का रिपोर्ट मैंने देखा है कि जिसमें उनको वो एक रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट देखा था मैंने, पे डॉक्टर से पास आके गया था कि जहां पे वो ऐसे इस प्रकार के लक्षण उसको मिले थे। संस्थान वर्ण विशेषास्तु, संस्थान वर्ण विशेष क्या है तो सूक्ष्म, यहाँ पे दो प्रकार के कृमि है, पुरुषज कृमि दो प्रकार के, एक है सूक्ष्म वृत्त परिणः जो सूक्ष्म है गोलाकार उसका परिणः मतलब गोलाकार स्वरूप है, और श्वेता दीर्घा ऊर्णांशु संकाशा, ऊर्णांशु मतलब मेषलोम मतलब मेंढी के जो बाल रहते हैं उसी प्रकार से उस प्रकार दीर्घ तंत्वाकृति ऐसे दिखते हैं, और एक एक प्रकार के ये है। दूसरे है केचित पुनः स्थूल वृत्त परिणः कुछ बड़े दिखाई देने वाले वृत्त परिणः, और शाव नील हरित पीत, शाव नील हरित और पीत इस वर्ण के होते हैं, उनके नाम ककेरुक मकेरुक लेलीह सशूलक सौसुरादश्चेति। अब इन नामों का संस्कृत व्याकरण देखना चाहिए कि इसका क्या अर्थ है और फिर उनका निश्चय करना चाहिए। उनका प्रभाव क्या है तो पुरुष भेद मतलब अतिसार, कार्श पारुष्य लोमहर्ष अभिनिर्वर्तनम, त एव च अस्य गुदमुखं परितुदन्तः कंडुम चोपजनयन्तः गुदमुखं पर्यासते, ये कृमि गुदमुख में तोदवत वेदना करके या कंडु उत्पन्न करके गुद के आसमंत में वो स्थान आश्रित रहते हैं। त एव जात हर्षः, उसमें बार बार खुजली होती है और या हर्ष होता है, और गुद निष्क्रमणम अतिवेलम कुर्वन्ति, और गुद से बार बार बाहर निकलते हैं। इति एष श्लेष्मजननानां पुरुषजानां च कृमिणां समुत्थानादि विशेषः, इस प्रकार से सभी कृमियों के सात प्रकार के वर्णन किए। अब इनकी चिकित्सा क्या है तो चिकित्सितम तु खलु एषां समासेनोपदेश, प्रथमतः 14 और 15 नंबर के सूत्र में संक्षेप में चिकित्सा बता रहे, और फिर 15 से 30 नंबर के 16 से 30 तक विस्तार से चिकित्सा बता रहे,
ये कृमि चिकित्सा यहाँ पे जो वर्णन की है ये विशेष चिकित्सा है, क्योंकि एक ही दिन में अस्थापन, वमन, विरेचन और अनुवासन देना है। हाँ, आपने सही सुना, कृमि कोष्ठी के रुग्णों को एक ही दिन में अस्थापन, वमन, विरेचन और अनुवासन देना है। कैसा देना है वो हम आगे देखते हैं। जिसका कोष्ठ कृमि से युक्त है ऐसी विशेष चिकित्सा है, सभी व्याधियों में चिकित्सा ऐसी नहीं करनी है। कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। तो चिकित्सा संक्षेप में चिकित्सा क्या है, तो चिकित्सितम तो खलु एषाम, इन सभी के संक्षेपता हम बताते हैं पश्चात विस्तरण उपदेशमा, और बाद में फिर विस्तार से देखेंगे। तत्र सर्व कृमिणाम अपकर्षणम एवं आदितः कार्यम, सभी कृमियों में प्रथमतः अपकर्षण यही प्रथम कार्य है, उसके पश्चात प्रकृति विघात करना चाहिए, अनंतरम निदान उक्तानाम भावानाम अनुपसेवनम, फिर निदान परिवर्जन करना चाहिए। मतलब कोई भी कृमि हो, रक्तज हो, श्लेष्मज हो, पुरीषज हो, मलज हो, कोई भी कृमि हो, सहज हो, आप उनकी चिकित्सा करना चाहते हो। सहज कृमि की तो चिकित्सा बताई नहीं है, जो वैकारिक कृमि है उनकी चिकित्सा करनी है, तो वो चिकित्सा तीन प्रकार से करनी है। सर्वप्रथम अपकर्षण, दूसरा प्रकार है प्रकृति विघात, और तीसरी चिकित्सा है निदान निदान परिवर्जन। अब वो कैसे करना है वो आगे बताते हैं। तत्र अपकर्षणम, अपकर्षण क्या है, तो हस्तेन अभिगृह्य विमृश्य उपकरणवंता अपनयनम अनुपकरणे न वा। एक तो अगर दिखाई देते हैं जैसे पिपीलिका या लीक्षा जैसे कोई अगर दिखाई देने वाले स्थूल कृमि हो तो हाथ से बाहर निकाल दीजिए, या फिर हाथों का उपयोग करके किसी उपकरण से उनका अपनयन कीजिए, या फिर शोधन से अपकरण कीजिए। शोधन ही अपकर्षण की चिकित्सा है। स्थानगता नाम तु कृमिनाम भेषज कृमिणाम भेषजान भेषजेन अपकर्षणम न्यायतः। और जो स्थानता है, सूक्ष्मादि कृमि है, उनकी चिकित्सा कैसे करनी अपकर्षणम तचतुर्विधम, तो यह अपकर्षण सूक्ष्म कृमियों की जो चिकित्सा है वो चार प्रकार की है। तद यथा शिरो विरेचनम वमनम विरेचनम अस्थापनम च, नस्य वमन विरेचन और अस्थापन। देखिए यहाँ पे अनुवासन नहीं लिया है, अस्थापन सिर्फ कृमिग्न है। इति अपकर्षण विधि, ये अपकर्षण की विधि है। प्रकृति विघात त्वेषाम कटु तिक्त कषाय क्षार उष्णानाम द्रव्याणाम उपयोग, जिस कारण से वो कृमि उत्पन्न हुआ है उसके हेतु के विपरीत गुण के आहार विहार सेवन करना। मतलब सारे कृमि ये संतर्पण से ही उत्पन्न होते हैं, इसलिए क्योंकि जो रक्तज कृमि है उसके हेतु भी कुष्ठ जैसे हैं, और कुष्ठ ये भी संतर्पण जैसा ही है, तो सारे कृमियों का जो कोई हेतु है वो संतर्पण से ही है। तो प्रकृति विगत क्या है, तो कटु तिक्त कषाय क्षार और उष्ण ऐसे द्रव्यों का उपयोग, वो औषध के स्वरूप में या फिर आहार के स्वरूप में। यश्च अन्यदपि किंचित श्लेष्म पुरुष प्रत्यनिकभूतम तत्स्यात्, और अन्य भी कोई श्लेष्मा और पुरुष के विप्रत्यनिक होगा, मतलब श्लेष्मा के गुणों के प्रत्यनिक और पुरुष के गुणों के प्रत्यनिक होगा, वो सभी प्रकृति विघात के चिकित्सा में समाविष्ट हो सकता है। इति प्रकृति विघात। उसके अनंतर अनंतर निदानोक्तानाम भावानाम अनुपसेवनम, जो हेतु बताए हैं ऐसे भावों का सेवन नहीं करना है, तो उसको कैसे करना है। यदुक्तम निदान विधौ तस्य विवर्जनम तथा प्रायाणाम च अपर्षम द्रव्याणाम, जो हेतु बताए हैं उनका सेवन नहीं करना है, और जो हेतु के समान अन्य कोई हेतु होंगे उनका भी त्याग करना है। इति लक्षणतः चिकित्सितम अनुव्याख्यास्यामः, इसलिए संक्षेप में चिकित्सा बताई। एतद एव पुनर्विस्तरेण उपदेक्षते, अब ये विस्तार से बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो आगे चिकित्सा जो है वो अत्यंत विशेष है, इसलिए ये पूरा हम एकाग्र होके पढ़ेंगे। अथ एनम कृमि कोष्ठम, इसका अधिकरण है कृमि कोष्ठी की चिकित्सा, और विशेषतः श्लेष्मज और पुरुषज कृमि की चिकित्सा, क्योंकि रक्तज कृमि की चिकित्सा ये कुष्ठ चिकित्सा के अंतर्गत आई है, तो यहाँ पे सिर्फ श्लेष्मज और पुरुषज कृमियों की चिकित्सा वर्णन की है। अथ एनम कृमि कोष्ठम आतुरम, आपको ये आपने निदान किया कि ये रुग्ण कृमि कोष्ठी रुग्ण है, तो क्या करना है। अग्रे मतलब सर्वप्रथम षड्रात्रम सप्तरात्रम वा स्नेह स्वेदाभाम उपपाद्य, पहले 6 दिन या 7 दिन स्नेह ने स्वेदन करके शुओ भूते दूसरे दिन उनको शोधनम पायेता अस्मिति, शोधन देना है ऐसा सोच के उस दिन, जिस दिन आखिरी दिन होगा स्नेह स्वेदन का, उस दिन क्षीर गुड़ दधि तिल मत्स्य अनुप मांस पिष्टान्न परमान्न कुसुम्ब स्नेह संप्रयुक्त ही भोज्य ही सायं प्रातश्युपपादयेत, ऐसा क्षीर गुड़ दधि तिल मत्स्य आदि युक्त आहार सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय देना चाहिए। किसलिए देना चाहिए,
तो समुदीर्णार्थम कृमिणाम कोष्ठाभिसरणार्थम च, जो समुचित शरीर में फैले हुए कृमि है उनको शरीर के कोष्ठ में लाने के लिए ये चिकित्सक ये आहार देना चाहिए। मतलब पहले 6 दिन, और या आप जो अगर नोटबुक है आपके पास तो आप क्रमशः एक लिख लीजिए, बाद में मैं बता ही नहीं वाला हूँ कि किस प्रकार से हम चिकित्सा करने वाले हैं। तो पहले 6 या 7 दिन स्नेहन शोधन करेंगे, फिर उसके बाद अंतिम दिन जो होगा उस अंतिम दिन में हम अंतिम दिन में क्षीर गुड़ादि जो दधि आदि आहार है वो कृमि कोष्ठ में आने के लिए हम उनको सायंकाल और प्रातः काल दोनों समय देंगे। अथ व्युष्टयाम रात्रयाम, जब रात्रि का पूरी उस दिन की रात्रि खत्म हो गई और सुखोषितम सुप्रजीर्ण भक्तम, रात्रि अच्छे से चली गई, दूसरे दिन वो उसकी नींद अच्छी हुई और सुप्रजीर्ण भक्तम उसका रात का खाया हुआ सायंकाल में खाया हुआ आहार अच्छी तरह से पचा है ये समझ के, च विज्ञाय ये समझ कर आस्थापनम वमन विरेचन ही तद आहार उपपादनीय चेत स्यात्। तो उसी दिन सर्वप्रथम आस्थापन, फिर वमन और फिर विरेचन उसको देना चाहिए। और वो कैसा देना है? सर्वान परीक्ष विशेषान परीक्ष सम्यक, सभी प्रकार से परीक्षण करके फिर हमें इस प्रकार की चिकित्सा करनी है। अब वो कैसे करनी है वो आगे बताते हैं। अथ आहारे, अभी प्रथम अपकर्षण विधि चल रहा है। तो प्रथमतः मूलक सर्षप लशुण करंज शिग्रु मधुशिग्रु खर पुष्पा भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर काल मालक पर्णास क्षवक फणिंजक आदि जो द्रव्य है इनमें से सर्वाणी सभी द्रव्य, या फिर यथालाभम जितना आपको मिल सके उतने द्रव्य, तानी आहृतानी वो सारे द्रव्य उसका संकलन कीजिए। फिर अभिसमीक्ष खंडशा छेदयित्वा, फिर उसको अच्छी तरह से देख के उनको उनमें से मल निकाल के जो कुछ अगर भेष भेष क्या कहते हैं उसको मिश्रित हुए होंगे तो वो निकाल के सिर्फ द्रव्य लेके उसका खंडशः छेदन करिए। फिर प्रक्षाल्य धो लीजिए, और फिर पानीयेन सुप्रक्षालितायाम स्थाल्याम समावाप्य, और अच्छे पानी से धोए हुए किसी पात्र में रखिए। फिर उसमें गोमूत्रेण अर्धोदकेन, फिर उसके आधा पानी और आधा गोमूत्र ऐसा ऐसा मिश्रित करके फिर अभिसिच्य उसमें डाल के साधये सततम अवघट्यन द्रव्या, फिर उसको अग्नि पे रख के उसका साधन करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे दरवी से उसको धीरे धीरे हिलाते रहिए। फिर तम उपयुक्तम भूयिष्ठे अम्बसी गतरसेषु औषधेषु, फिर आपने अगर देखा कि अच्छा प्रकार से क्वाथ हुआ है और जो गोमूत्र और जल था उसमें से जल पूरा निकल गया है और जो औषधियों का जो सार था वो उस द्रव में आ गया है ये समझ के स्थालीम अवतार्य अग्नि के ऊपर से वो पात्र निकाल लीजिए। फिर सुपरिपूतम अच्छे से उनको छान लीजिए। फिर सुपरिपूतम कषायम ऐसा जो कषाय है उसमें सुखोष्ण हुआ, सुखोष्ण जब है उसी समय मदन फल पिंपली विडंग कल्क तैल उपयुक्तम, मदन फल पिपली और विडंग इनका कल्क लेके तैल उप थोड़ा सा तेल लेके उसमें डाल दीजिए। स्वर्णिका लवणितम अभ्यासिच्य, स्वर्णिका लवण जो स्वर्जिक क्षार है वो भी उसमें डाल के फिर उसको अच्छे से घोल लीजिए। फिर बस्तो विधिवत आस्थापय देनम, और इस कषाय से उसको विधिवत आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। तथा अर्क ये एक कल्प हो गया, इसी प्रकार से अर्क अलर्क कुटज आड़की कुष्ठ एड़क एड़क कैडर्य कषाय ना, कैडर्य मतलब मीठा नीम, इसी प्रकार से बस इसी इसका भी आप बस्ती दे सकते हो। या फिर शिग्रु पीलू कुस्तुम्बरु कटु अब कुस्तुम्बरु कटुका सर्षप कषाय, इनके इनके कषाय से आप इस विधि से तैयार करके आस्थापन दे सकते हो। या फिर आमलकी श्रृंगवेर दारु हरिद्रा पिचुमर्द कषायन, इनके कषाय से बस्ती दे सकते हो। इनमें मदन फलादि संयोग संपादित है, उसमें मदन फलादि मतलब मदन फल पिपली विडंग कल्क और तैल ये डाल के स्वर्ज का क्षार डाल के फिर आस्थापन बस्ती देनी चाहिए। और वो कैसे देनी है? त्रिवारम सप्त दिनम वा, मतलब आप उसके बल के अनुसार एक दिन में 3 बार बस्ती देनी है निरुह की, और ऐसे 7 दिन देनी है। आप अगर बहुत बल ज्यादा होगा तो एक ही दिन देनी है, यस, अगर बहुत बल ज्यादा होगा तो एक ही दिन 3 आस्थापन बस्ती देके फिर आगे वमन विरेचन करना है। अगर अब बल कम होगा, शरीर का बल कम है और कृमि का बल ज्यादा है तो रोज 3 बार
एक बार आस्थापन दिया वो बाहर आ गया, फिर से आस्थापन दीजिए वो बाहर आ गया, फिर से आस्थापन। हाँ ऐसा, इसको पुटबस्ति कहते हैं। इसका वर्णन सिद्धि स्थान में किया है, मैंने खुद मेरे ऊपर ये प्रयोग किया है। पुटबस्ति कृमि की चिकित्सा के लिए नहीं, मैं जो मेरे व्यवहार में मैं पंचकर्म जब करता हूं तो मैं आस्थापन और अनुवासन एक ही दिन देता हूं, मतलब एक दिन आड़ ऐसे नहीं करता हूं। आजकल क्या चल रहा है, आज निरोह दिया तो कल अनुवासन, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर निरोह फिर अनुवासन, ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कहा है, सुबह निरोह लिया तो शाम को अनुवासन देना है, शाम को सुबह अनुवासन लिया तो शाम को निरोह लेना है। मैं ऐसी चिकित्सा करता हूं, और निरोह के बारे में मैंने खुद के ऊपर प्रयोग किया है। एक मतलब योग बस्ती करते समय कि एक बार निरोह लिया तो निरोह प्रत्यागम होने के बाद मुझे निरोह के सम्यक लक्षण नहीं मिले तो मैंने फिर से निरोह लिया, वो भी पर उसका प्रत्यागम होने के बाद में भी निरोह के सम्यक लक्षण नहीं थे, तो तीसरी बार निरोह लिया उतनी ही मात्रा में, फिर तीसरे निरोह के बाद मुझे सम्यक लक्षण मिले। फिर दूसरे दिन मैंने अनुवासन लिया, और जब फिर से निरोह की अवस्था आई तो दो ही निरोह में मेरा काम हो गया। फिर जो निरोह लिया तो पहले ही निरोह में मेरा काम हो गया, सम्यक लक्षण मिले। अब मैं मेरे सारे पेशेंट में भी इसी प्रकार से, उसको पुटबस्ति कहते हैं, इसका वर्णन सिद्धि स्थान में किया है। तो इसी प्रकार से 3 बार बस्ती आप 7 दिन तक दे सकते हो, मतलब 7 दिन के पहले भी दे सकते हो। किसी रुग्ण में 2 दिन दो, किसी रुग्ण में 3 दिन दो, किसी में 4, किसी में 5, पर अंतिम अवस्था या अंतिम उसका जो मर्यादा है वो 7 दिन की है। अगर बहुत बल अच्छा है तो एक ही दिन करना चाहिए। फिर आगे क्या करना है, प्रत्यागते च पश्चिमे वस्तु, तीसरी बस्ती का प्रत्यागम होने पर उसको प्रति आश्वस्तम, उसको आश्वासन करके तद आहरेत एवं उभयतो भागारम संशोधनम पायित्वा युक्त्या, उसको युक्ति पूर्वक एक ही समय में मुख मार्ग से और गुद मार्ग से दोष बाहर निकले ऐसा उभय भागहर योग उसको देना चाहिए। उसकी विधि क्या है, वो है मदन फल पिंपली कषायस्य अर्धांजलि मात्रेण, मदन फल की पिंपली लेकर। यहाँ पे पिंपली शब्द ये मदन फल की पिपली के लिए है, पिंपली द्रव्य के लिए नहीं है। तो मदन फल की पिपली अर्धांजलि मात्र में लेकर उसका क्वाथ बनाइए, क्वाथ की मात्रा अर्धांजलि लीजिए, उसमें त्रिवृत्त कल्क एक अक्ष मतलब एक तोला इतना लेके उसमें आलोड्य दोनों द्रव्य एक समान कीजिए, मतलब मदन फल कषाय के अर्धांजलि अर्धांजलि मतलब 8 तोले, 2 पल कहते हैं उसको, एक अंजलि मतलब 4 पल, तो अर्धांजलि मतलब एक 2 पल मतलब 4 तोले। तो ऐसे अर्धांजलि में अर्धांजलि मदन फल के कषाय में एक अक्ष ऐसा मात्रा में त्रिवृत्त कल्क डालिए, वो अच्छे से घूम छोड़ लीजिए, फिर उसमें पातु मसमे प्रयच्छे तो उसको पिला दीजिए उस रुग्ण को, जिसकी जिसको पहले 3 बार आस्थापन दिया है उसकी आखिरी बस्ती वापिस आने पर उसको आश्वासन दे के फिर उसको ये मदन फल कषाय और त्रिवृत्त कल्क डाला हुआ जो काकवात है वो उसको पिला दीजिए। फिर तदस्यम दोषम उभयता निर्हरति साधु, उससे उसको उभय मार्ग से दोष बाहर निकलेंगे। एवं एव कल्पोक्तानि वमन विरचनानि प्रतिसंसृज्य पायेत एनम बुद्ध्या सर्व विशेषण अवेक्षमाणो, इसी प्रकार से कल्पा में जो वर्णन किया है, कल्पसा में जो हमने वमन विरचन के कल्प दिए हैं वो आप मिश्रित करके, प्रतिसंसृज्य मतलब मिश्रित करके, बल देख के, द्रव्य देख के, अवस्था देख के आप उपयोग कर सकते हो। अथ एनम सम्यक विरिक्तम, आपने देखा कि इसका ऊपर मतलब उसको अच्छे से 2-3 उल्टियां भी आ गई और अच्छे से विरेचन भी हो गया, ये दोनों देख के सम्यक विरिक्तम शोधन अच्छा हुआ है देख के विज्ञाय, ये समझ कर अपराह्णे मतलब दोपहर में फिर आप उसको शैखरिक कषायेण सुकोष्णेन परिचेचेत, उसको शैखरिक मतलब अपा मार्ग के कषाय से, यहाँ पे चक्रपाणि ने थोड़ा पाठ अलग लिया है, चक्रपाणि कहते हैं विडंग कषाय, तो आप कोई भी कर सकते हो। बाकी टीकाकार कहते हैं शैखरिक मतलब अपा मार्ग, और चक्रपाणि कहते हैं शैखरिक मतलब विडंग, तो आप किसी भी विडंग या अपमार्ग किसी भी द्रव्य के सुखोष्ण क्वाथ से उसको स्नान कराइए। तेनेव च कषायेण बाह्य अभ्यंतरान सर्व उदकार्थान कारयेत शश्वत, उस दिन के लिए उसको पीने के लिए और शौच के लिए स्नान के लिए इसी क्वाथ का उपयोग करना है, बाकी साधारण जल पीना ही नहीं है। बाह्य अभ्यंतरात कार्यत शश्वत तद अभावे, अगर वो नहीं मिल रहा है तो कटुतिक्त कषायणा औषधानाम क्वाथैर मूत्र क्षारैर्वा परिषेचयेत,
तो कोई भी कठोरिक कषाय जो औषध है उसका क्वाथ या फिर मूत्र क्षार इसका परिशेषण करिए। परिशिक्तम स्नान होने के बाद इसको निवात आगारम अनुप्रविश्य उसको जिस जिस घर में या जिस रूम में किसी भी प्रकार से कहीं से भी वायु आ नहीं रहा है ऐसे किसी निवात घर में उसको जाके रखिए। और फिर पिंपली पिंपली मूल चव्य चित्र का श्रृंग मतलब पंचकोल की यवागु देके फिर क्रम से उपचारण कीजिए, फिर संसर्जन क्रम कीजिए। देखिए संसर्जन क्रम का एक और गलत फहमिया हमारी ऐसी है कि हम अन्न काल का अर्थ सुबह का खाना एक अन्न काल और दोपहर का रात का खाना दूसरा अन्न काल ऐसा समझते हैं। सारे पंचकर्म की हिंदी मराठी अंग्रेजी सभी किताबों में ये जो अन्न काल दिए हैं ये सुबह और शाम ऐसा दिया है, ऐसा अर्थ नहीं है। शोधन करने के बाद जब भूख लगेगी तब पेया दीजिए, फिर से आधे घंटे के बाद फिर से भूख लगी तो वो दूसरा अन्न काल है, फिर से पेया दीजिए। थोड़े एक 3-4 घंटे के बाद फिर से भूख लगी तो फिर से पेया दीजिए, वो तीसरा अन्न काल है। फिर 3-4 घंटे के बाद भूख लगी तो ये चौथा अन्न काल समझ के विलेपी दीजिए। ऐसे सुबह शाम नहीं करना है। अन्न काल का अर्थ भूख लगने का काल, मैं जब शोधन लेता हूं मेरा तो मुझे पहले ही दिन में 5 अन्न काल आते हैं, 5 बार भूख लगती है। और फिर उस सुधा के अनुसार आपको उसनी मात्रा में पेयादि क्रम करना है। पर यह कृमि कोष्ठ में पेया देने की नहीं है क्योंकि पेया ये श्लेष्म वृद्धि करने वाली है, इसलिए जहां पे श्लेष्म वृद्धि होती है वहां सुश्रुत कहते हैं अभिच्छंद की अवस्था में कृमि की अवस्था में श्लेष्म वृद्धि की अवस्था में पेया न देया, पेया छोड़ के यवाग्वादी क्रम करना चाहिए। फिर यवागु आदि क्रम करके उसको यवाग्वादी क्रम का वर्णन सिद्धि स्थान में आया है तो यहाँ पे पंचकूल की यवागु उपयोग में लानी है। फिर इसके बाद विलेपी क्रमागतम, जब आप विलेपी क्रम तक आ जाएंगे मतलब दूसरे तीसरे दिन दूसरे दिन में तो उसको अनुवासयेत विडंग तैल एकांतरम द्विस्त्रीर्वा, फिर उसको अनुवासन तैल से उसको अनुवासन बस्ती दीजिए। फिर वो अनुवासन बस्ती एक एक दिन के बाद देनी है, मतलब आज दी तो फिर परसों देने की है, परसों दी तो फिर एक दिन छोड़ के देनी है। यदि पुनः अस्य अति प्रवृद्धान शीर्षादान कृमिन मन्येत शिरस एव अभिसर्पतः कदाचित, अगर आपको ऐसा लगा कि इस रुग्ण में शीर्षगत कृमि है मतलब ऊर्ध्व शिर में कृमि है तो और वहां पे उसका परिसर्पण हो रहा है, तथा स्नेह स्वेदाभ्याम अस्य शिर उपपाद्य विरेचयेत अपामार्ग तंडुलादीना शिरोवेचनम, फिर आप उसको अच्छे से शिर प्रदेश में स्नेहन स्वेदन करके अपामार्ग तंडुलीय जो अध्याय है वहां पे जो शिरो विरेचन के कल्प बताए हैं उसमें से कुछ आप एक कल्प दीजिए। ये अपामार्ग तंडुलीय अध्याय सूत्र संघ का द्वितीय अध्याय है, उसमें ये शिरो विरेचन के कल्प बताए। फिर ये यहां तक अपकर्षण की विधि पूरी हुई, ये विशेष विधि है, ये सिर्फ कृमि कोष्ठ में करनी है। एक ही दिन में अस्थापन और उभय भागहर और फिर स्नान और फिर सायंकाल को अनुवासन, ऐसे चिकित्सा करनी है। फिर अभी आगे कह रहे यस्तु अव्यवहार्य विधि प्रकृति विघात उक्ता कृमिणाम अथ तम अनुव्याख्यास्यामः, अब आगे प्रकृति विघात का कुछ कल्प बता रहे। वो पहला कल्प है, देखिए इसमें प्रकृति विघात के लिए 4 कल्पों का वर्णन किया है, वो 4 कल्प हम देखते हैं। पहला कल्प है सूत्र 21 में मूलक पर्णी समूलाग्र प्रतानम आरुत्य, मूलक पर्णी और यहाँ पे पाठभेद है मूषिक पर्णी, तो ये जो वनस्पति है ये मूल अग्र प्रतान के साथ निकाल के लाइए, खंडशा छेदयित्वा उसके खंडशा छेदन कीजिए, उलूखले शोधयित्वा मतलब उदूखल जो होता है जिसमें कूटते हैं वहां उसमें डाल के उसको अच्छे से पीस लीजिए, फिर पाणिभ्याम पीड़यित्वा हाथों से छान लीजिए, फिर उससे कल्क होगा तो कल्कों से उसका स्वरस निकालिए, रसम गृह्णीयात उसका स्वरस निकाल लीजिए। तेन रसेन लोहित शाली पंटंडुल पिष्टम, उस मूलक पर्णी के स्वरस में लोहित मतलब रक्तशाली के जो तंडुल है उसका आटा डालिए और उस आटे को उस स्वरस में समालोड्य अच्छे से मिश्र करके पूपलिकाम कृतो उसके वड़े बना दीजिए। पूपलिका का अर्थ है बड़ी रोटी या फिर वड़ा जो कहते हैं उसका वड़ा, जो हम छोला भटूरा कहते हैं ना तो जो भटूरा रहता है उस प्रकार से बनाना। फिर उसके बाद कृत्वा विधूमेशु अंगारेशु उपकुड्य, फिर जिसका धूम निकल गया है ऐसे अंगार में उसको अच्छे से भून लीजिए उस पुप्पलिका को।
और उसके बाद में उसके ऊपर से विडंग तैल लवण ऐसा लगा दीजिए, उस पोपलिका को लगा लीजिए, फिर कृमि कोष्ठाय भक्षयतुम प्रयच, और फिर कृमि कोष्ठ को वो यथेच्छ भक्षण करने के लिए दीजिए। उसके साथ कुछ उपदंश वगैरह आप दे सकते हो। अनंतरम च अम्लकांजिकम उदश्रित्वा पिप्पल्यादि पंचवर्ग संसृष्टम सलवण अनुपान, और फिर उसके बाद में खाना खाने के बाद, ये पूपली का खाना खाने के बाद उसको अम्लकांजिक या उदश्वित मतलब तकर का प्रकार, उसमें पिप्पल आदि चूर्ण या लवण डाल के उनको पीने के लिए दीजिए। अनेन कल्पेन मार ऐसे इसी पद्धति से, अब मूषक पर्णी या मूलक पर्णी का यह वर्णन किया, इसी पद्धति से मार्कव अर्क सहचर नीप निर्गुंडी सुमुख सुरस कुठेरक गंडीर कालमालक पर्णास यवक पर्णासक शवक फणिंजक बकुल कुटज सुवर्ण क्षीरी स्वर, इनके भी स्वर से आप पूपलिका कर सकते हो। इतने सारे कृमिघ्न द्रव्य बताए, इनसे भी आप पूपलिका तैयार करके अन्यतमस्मिन कारयेत पूपलिका, इनके भी पूपलिका मतलब वड़े या फिर रोटी आप बना सकते हो। तथा किणी ही किरातिक्त वसु वसुक सुवाहा अमलकी हरितकी बिभीतक स्वर से शुक, इनकी भी पूपलिका आप कर सकते हो। स्वरसाश्च एतेषाम एकैकशः द्वंद्वशः सर्वशः वा मधु विलुप्तान प्रातर अनन्नाय पातुम प्रयच्छेत। इस प्रकार से ये जो द्रव्य दिए हैं, इनके पिपलिका के साथ इन द्रव्यों के जो क्वाथ है ये भी, या स्वरस जो है ये मधु के साथ आप सुबह अनन्न काल में पीने को दीजिए। यह प्रथम कल्प हो गया प्रकृति विघात का। फिर दूसरा है अथ अश्वशकृत आरुत्य, अश्वशकृत मतलब अश्व का शकृत, अश्व का पुरुष लेके आइए, उसको महति किलिंज के प्रस्तीर्य अच्छा चादर किलिंजक मतलब चादर, चादर डाल के आतप में उसको सुखा लीजिए, आतपे शोषयित्वा वो अश्व पुरुष को सुखा लीजिए, फिर उलूखले शोधयित्वा उलूखल में लेके उसको अच्छे से पीस लीजिए, दृषदि पुनः सूक्ष्म चूर्ण कारयित्वा, दृषद मतलब जो पत्थर रहता है जिसपे हम पीसते हैं, उस पत्थर में लेके दूसरे पत्थर से उसको अच्छे से मसल लीजिए, फिर विडंग कषायेण त्रिफला कषायेण वा अष्टकृद्वा दशकृद्वा आतपे सुपरिभावितानि भावयित्वा, फिर उसको विडंग कषाय के 8 भावना और हरितकी चूर्ण के त्रिफला कषाय के 8 भावना, 8 बार या 10 बार ऐसी भावना देके फिर से हर बार आतप में सुखा लीजिए, फिर सूक्ष्मानि चूर्णानि कारयित्वा, फिर उसका सूक्ष्म चूर्ण करके नवे कलशी समावाप्य अनुगुप्तम निधापेत, अच्छे नए घड़े में रखकर उसको अच्छे से रख लीजिए। तेषां तु खलु चूर्णानां पाणितलम यावत, जो इस रुग्णों को देना है उसके पाणितल में इसने इसने मात्रा में जितना बैठता है उतना चूर्ण लेके, या फिर यावत साधु मन्ये, या फिर आपको जितनी मात्रा योग्य लगे उस रुग्णों को देख के ऐसी मात्रा में, फिर ततक शौद्रेण संसृज्यम मधु के साथ मिश्र करके कृमि कोष्ठी ने लेडुम प्रचे उसको खाने के लिए दीजिए। ये दूसरा कल्प हो गया प्रकृति विघात का। अब तीसरा कल्प है तथा भल्लातकास्थिनी आहृत्य कलश प्रमाणेन च आपोथ्य स्नेह भाविते दृढ़े कलशे सूक्ष्मान अनेक छिद्रा ब्रदने, भल्लातका की अस्थि मतलब भल्लातक के बीच के जो गुठली है वो लेके आइए, उसको अच्छे से धोके धोइए, फिर एक घड़ा लेके जिस घड़े के नीचे वाले हिस्से में छिद्र है उस घड़े में रखिए, उस घड़े को अच्छे से मुख से ढाक ढाक झाक लीजिए, फिर उसको मृदौ आवलिप्ते मिट्टी का लेप उसके ऊपर से कीजिए, समावाप्य उड़ुपेन पिधाय भूमौ आकंठम निखातस्य स्नेह भावितस्य एव अन्यस्य दृढ़स्य कुंभस्य उपरि, और दूसरा अच्छा घड़ा लीजिए जिसका मुख खुला होना चाहिए, एक जमीन में गड्ढा कीजिए, उसमें दूसरा जो घड़ा है जो बड़ा वाला घड़ा है घड़ा होता है वो अच्छे रख दीजिए, उसका मुंह गड्ढे के जमीन के ऊपर तक आना चाहिए, उसके ऊपर ये बल्ला तक जिसमें डाले हैं ऐसे छिद्र युक्त जो घड़ा घड़ा है वो उसको ऊपर रखिए, उस दोनों की जो संधि है उसको अच्छे से मिट्टी से लेप कीजिए, फिर पूरे पूरा जो ये ऊपर आता है उसको स यदा जानियात समन्तात् गोमयैः उपचित्त दाहयेत्, फिर दोनों उस जो ऊपर वाला घड़ा है उसके चारों ओर से गोमय की जो हम बनाते हैं ना जिसको गौरी कहते हैं वो पूरा उसके रख के उसको जला दीजिए। स यदा जानिया साधु दग्धानी गोमयानी विगत स्नेहानी च भल्लातकास्थिनी ततस्तम कुंभ मुद्धरेत, आप अगर आपको समझा कि ये पूरे जो गोमय था वो पूरा जल चुका है और उसके विगत स्नेह हो चुका है, तो उसके भल्ला तक वो पूरा गड़े निकाल लीजिए ऊपर,
और नीचे वाले गड़े में जो स्नेह निर्माण होगा वो स्नेह मतलब तेल भला तक का तेल जो आ गया वो आप निकाल लीजिए। अथ तस्मात द्वितीयात कुंभात स्नेहमादाय विडंग तंडुल चूर्ण ही स्नेहार्ध मात्रई प्रतिसंसृज्य आतपे सर्वम अहस्थापयित्वा। फिर उस तेल में जितना तेल मिला है उसके आधी मात्रा में विडंग के तंडुल का चूर्ण डालना है और फिर वो आतप में सुखा लीजिए। तथा अस्मै मात्राम प्रयच्छेत पानाय और फिर वो पान के लिए अच्छी मात्रा में देना चाहिए। तेन साधु विरचते उससे अच्छा शोधन होता है। विरिक्तस्य च अनुपूर्व यथोक्ता विरचन के बाद फिर संसर्जन क्रम करना चाहिए। उसमें पेयादि क्रम नहीं करना है उसमें यवाग्वादि क्रम करना है। एवं एव इसी प्रकार से भद्र दारू सरल काष्ठ स्नेहान उपकम्य पातुम प्रयच्छ। इस प्रकार से जैसे भला तक का तेल निकला इसी प्रकार से इनका भी तेल निकाल के विडंग चूर्ण डाल के वो पी सकते हो। अनुवासे चैनम अनुवासन काले और फिर उसके बाद में जब अनुवासन का काल आएगा मतलब शाम को एक अनुवासन विडंग तेल का देना है। ये तीसरा कल्प हो गया भल्ला तकास्थि का। ये तीसरा कल्प हो गया। अब चौथा कल्प प्रकृति विघात का बता रहे हैं। शारदान नव तिलान संपद उपेतान शरद ऋतु में उत्पन्न हुए अच्छे गुणवान तिल लेके आइए। फिर तान आहृत्य सुनिष्पुतान निष्पु उसको हाथ से धो के लगे सुशुद्धान शोधयित्वा उसका शोधन कर दिया जो उसमें से कुछ कीचड़ वगैरह होगा वो निकाल लीजिए। फिर उसको विडंग कषाय सुखोष्णे प्रक्षिप्य विडंग कषाय में उनको डाल के निर्वापयेत आ दोष गमनात फिर अच्छे से छान लीजिए जब तक और उबाल लीजिए जब तक उससे दोष निकल नहीं जाते उसके ऊपर के तुष जो है वो निकल नहीं जाते। गत दोषान अभिसमीक्ष उसके जो ऊपर के जो छिलके हैं वो निकल गए हैं ये समझ के सुप्रलुनान प्रलुंच उसको हाथ से निचोड़ लीजिए। पुनरेव सुनिष्पुतान निष्पूय सुशुद्धान शोधय तो उसके अच्छे से शोधन कर लीजिए। फिर विडंग कक्षाए न सप्त त्रिसप्त 21 बार ये प्रकार करना है। त्रिसप्त कृत्वा मतलब 21 बार ये प्रकार करना है और सुपरिभावितान भावय तो उसको 21 बार विडंग कक्षाए की भावना देनी है। आतपे और हर बार आतप में शोषण करना चाहिए। उदुखले फिर उदुखले संशुद्ध उलुखल में लेके उसको अच्छे से पीस लीजिए। दुषदी पुनः शश्न पिष्टान कारयित्वा पत्थर पे लेके उसको पीस लीजिए। फिर द्रोण्याम अवध अभ्यवधाय द्रोणी में लीजिए विडंग कषायण मुहुर मुहुर अवसिंचन पानी मर्दम एवं मर्दयेत। फिर उस द्रोणी में वो चूर्ण डाल के उसके ऊपर विडंग कषाय डाल के हाथों से मलते रहिए। तस्मिन् स्तु खलु प्रपीड्यमाने यह तैलम उद्यात इससे कल्क उत्पन्न होगा और उस कल्क से जो तैल बाहर निकलेगा वो पानी में लेके शुचो दृढ़े कलशे फिर वो अच्छे पात्र में तैल जमा करके उसको पिलाइए। यह अच्छा विरेचक का कल्प है। ऐसे ये चार कल्प प्रकृति विघात के हो गए। अब इसके बाद तिल जो कल तैल है इसका और आगे का प्रकार बता रहे। सूत्र नंबर 26 अथ आहरेति ब्रूयात तिलवक उद्दालक यो हो द्वौर बिल्व मात्रो पिंडो शक्षण पिंडो विडंग कषायण। फिर तिलवक और उद्दालक ये जो दो द्रव्य है उनके बिल्व मात्र में सोमित जितना बेल का फल होता है उतने बड़े बड़े मात्र में उसका कल्क कीजिए और वो विडंग विडंग तेल में या विडंग कषाय के साथ उसका अच्छा कल्क बनाइए। फिर तद अध अर्ध मात्रम मतलब आधे बेल जितने होते छोटे होते हैं उतने आधे मात्रे में श्यामा और त्रिवृत इनके पिंड बना के रखिए। ततो अर्ध उनके अर्ध मात्रा में दंती और द्रवंती के पिंड बनाइए और उनके अर्ध मात्रा के तुलना में चौव्य चित्रक के मतलब इतने कितने हो गए 8 गोलाकार पिंड तैयार हो गए। दो पिंड एक एक तिलवक और उद्दालक के बिल्वा मात्रा में उससे आधी मात्रा में श्यामा त्रिवृत के उससे आधी मात्रा में दंती द्रवंती के और उससे आधी मात्रा में चौव्य चित्रक के ये बना के एतत् संभार में सभी जो 8 पिंड है वो विडंग कषाय से अर्धाढक मात्रेण प्रतिसंसृज्यम वो विडंग जो अर्धा अढ़क विडंग कषाय है उसमें डाल दीजिए। तत्त तैलम प्रस्थम समाव्याप्य उसमें जो अभी तेल निकला तिल का वो एक प्रस्थ डाल दीजिए। सर्वम आलोड्य सभी एक साथ घोल लीजिए। फिर महती परियोगे बड़े से कट्टा बड़े से पात्र में वो डाल के समासिच्य अग्न विधि आश्रित्य आसने सुखोपविष्टः फिर उसको अग्निपेट रखिए और उसको हिलाते रहिए। सुखोपविष्टा सर्वता स्नेहम अवलोकयन और उस स्नेह का अवलोकन करते रहिए। अजस्त्रम मृदु अग्निना साधे दरव्या सततम अवघट्टयन और उसको मृद दरवी से धीरे धीरे हिलाते रहिए और मृदु अग्नि पे उसका पाक करना है।
स यदा जानीयात वीरमति शब्दा, जब उस तेल का शब्द शांत हो जाएगा। प्रशम्यति जो फेनः, फेन शांत हो जाएगा। प्रसादम आपद्यते स्नेहा यथास्वम गंध वर्ण रसोत्पत्ति, अच्छे से गंध वर्ण रस की उत्पत्ति हो गई, स्नेह अच्छा निर्माण हो गया, तो क्या करना है। संवर्तते च भैषज्यम अंगुलिभ्याम मृद्यमानम अति मृदु अनति दारुणम अंग अनंगुली ग्राही च इति। फिर वो जो कल्क बना है, जो तेल के साथ डाला हुआ स्नेह बना है, वो अंगुली पे लेके उसकी गुटी का भी नहीं बनती है और वो खरा खरखरा भी नहीं है, ऐसा रखेगा। जब उसको अंगुली को वो चिक मतलब लिपटेगा भी नहीं, ऐसे जब उसका अच्छा सम्यक लक्षण उत्पन्न होंगे, तब काल से तस्य अवतरण, अब इसको ऊपर अग्नि से निकाल लीजिए। तथा तम अवतार्य शीतिभूतम, अब इसको ठंडा होने दीजिए। फिर वाससा परिपूय, अच्छे वस्त्र से छान लीजिए। फिर शुचो दृढ़े कलशे समासिच्य, अच्छे पात्र में उसको रखिए। पिधाने न पिधाय, ऊपर से ढक्कन लगा दीजिए। शुक्ले न वस्त्र पट्टे न आच्छाद्य, ऊपर से सफेद कपड़ा डाल के रखिए। सूत्र न सुबद्धम, उसको मुख जो है उसको कपड़े के ऊपर से सूत्रबद्ध से उसको बांध दीजिए। और सुनिगुप्तम निधापेत, ये क्यों बताया है, ये अत्यंत तीक्ष्ण अत्यंत तीव्र ऐसा ये औषध है, ये किसी और व्यक्ति को देना नहीं चाहिए, ये सिर्फ कुष्ठ रोगी को, कोष्ठ में जिसको कृमि है ऐसे रुग्णों को देना है। फिर ततो अस्मयी मात्राम प्रयच्छित पानाय, अच्छी मात्रा तय करके उसको पान के लिए दीजिए। ते न साधु विरचते, उससे अच्छा विरेचन होगा। सम्यक अपहृत दोषस्य च अनुपूर्वी यथोक्ता, उससे अच्छे दोष निकल जाएंगे और फिर संसर्जन क्रम करना चाहिए, इसमें पेया देनी नहीं है, यवागवादी क्रम करना है। ततश्चैनम, ये करने के बाद जब सायंकाल में अनुवासन का काल आएगा तब उसको अनुवासन दीजिए। एतेन एव च पाक विधिना सर्षप अतसी करंज कोशातकी स्नेहान उपकल्प्य पायेत सर्व विशेषान अवेक्षमाण, इसी प्रकार से इनके भी कल्प करने चाहिए। तेन अगदो भवती, ऐसे जब आप चिकित्सा करोगे इस चार प्रकार के कल्पों से, तो समुचित कुष्ठ रोग कृमि कोष्ठ रोगी पूरा ठीक होता है। एवं द्वयानाम श्लेष्म पुरुष संभवानाम कृमिणाम, आज हम क्या करते हैं कृमि कोष्ठ के लिए, मॉडर्न का सिर्फ एक द्रव्य देते हैं ना। देखिए अपने आयुर्वेद में कितनी प्रबड़ी चिकित्सा वर्णन की है, कब करेंगे हम ये, या करेंगे ही नहीं, ये सिर्फ ग्रंथ में रह के जाएगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड है, किसी ने तो ये करना चाहिए, पर ये द्रव्य मिलके पहले उसके ऊपर विश्वास रख के ये करने की करना चाहिए। ऐसे श्लेष्मज और पुरुष कृमियों में उनके समुत्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा विशेष से उनका वर्णन किया। इसके बाद में व्याख्याता सामान्यता, सामान्यता व्याख्यान किया। विशेषतास्तु स्वल्प मात्राम आस्थापन अनुवासन अनुलोम हरणम भूयिष्ठम तेषु औषधेषु पुरुषजानाम कृमिणाम चिकित्सितम कर्तव्यम। पुरुष कृमि में जब अल्प मात्रा में ये औषध है उससे आस्थापन अनुवासन और अनुलोमन चिकित्सा करनी है। मात्राधिकम पुनः शिरोविरेचनम वमन उपशमन भूयिष्ठम तेषु औषधेषु श्लेष्मजानाम कृमिणाम चिकित्सितम कार्यम। जब श्लेष्मज कृमि का रुग्ण होगा उसमें से मात्राधिक ऐसे औषध से शिरोविरेचन वमन और उपशमन चिकित्सा करनी है। तम अनुतिष्ठता यथास्वम हेतु वर्जने पर, अब निदान परिवर्जन क्या है, ऐसे चिकित्सा करते समय ही हेतु वर्जन करना चाहिए। यथा उद्देश्यम एवं इदम कृमि कोष्ठम चिकित्सितम, इसे इस प्रकार से जैसा उद्देश्य किया था उसका विस्तार से वर्णन किया हमने, यथावत अनुव्याख्यातम भवति भवंत चात्र, इसलिए कहा है। अपकर्षणम एव आदौ कृमिणाम भेषजम स्मृतम, अपकर्षण यही आदौ चिकित्सा है, प्रथम चिकित्सा है कृमियों की। ततो विघाता प्रकृत है, इसके बाद प्रकृति विघात और निदानस्थ वर्जन, और निदान वर्जन ये बाद की चिकित्सा है, मतलब प्रथम था अपकर्षण, फिर प्रकृति विघात और निदान परिवर्जन, बाकी के रोगों में कैसा है, प्रथम हेतु विपरीत और फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा है, यहाँ पे विशेष क्रम है। अयम एव विकाराणाम सर्वेशाम अपि निग्रह, सभी कृमियों के निग्रह में इसी प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। विधिर दृष्ट्वा त्रिधा योयम कृमिनुद्दिश्य कीर्तितः, इसी प्रकार से संशोधनम संशमनम निदानस्य च वर्जनम एतावत भिषजा कार्यम रोगे रोगे यथावधि, कृमियों से जो जो व्याधि उत्पन्न होगा, कृमि से जो जो प्रकार की विकृति उत्पन्न होंगे, इस सभी रोगों में संशोधन संशमन और निदान परिवर्जन इस प्रकार की चिकित्सा करनी चाहिए। तत्र श्लोकौ व्याधितो पुरुषौ ज्ञ अज्ञौ
दो प्रकार के व्याधित पुरुष, दो प्रकार के व्याधित पुरुष, ज्ञ और अज्ञ भिषज के लक्षण, सब प्रयोजन, दोनों प्रकार के वैद्यों के प्रयोजन, विंशति क्रमयः, 20 प्रकार के कृमि, तेषाम हेत्वादि सप्तगुण, उनके हेतु लक्षण प्रभाव स्थान वगैरह 7 प्रकार से उनका वर्णन, उक्तो व्याधित रूपीय विमाने परमर्षिणा शिष्य संबोधनार्थाय व्याधि प्रशमनाय, सभी प्रकार के चिकित्सा तक का विषय शिष्य के संबोधनार्थ और व्याधि प्रशमन के लिए परम ऋषि मतलब आत्रेय ऋषि ने व्याधित रूपीय नाम के विमान स्थान में समुचित प्रकार से वर्णन किया। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने व्याधित रूपीय विमानम नाम सप्तमो अध्याय, इस प्रकार से ये सप्तम अध्याय पूरा हुआ। अब देखिए कितना विस्तार से वर्णन है कृमि का। सिर्फ इस अध्याय में दो प्रकार के दो अधिकरण है, दो प्रकरण है, एक है व्याधित रूपीय प्रकरण और दूसरा कृमि व्याधित प्रकरण। पहला है व्याधित रूपीय, जिसमें हम लघु व्याधित को गुरु व्याधित और गुरु व्याधित को लघु व्याधित समझकर गलतियां कर सकते हैं, इसलिए ऐसा न हो इसके लिए उनका वर्णन किया है। फिर वैद्य ने क्या करना चाहिए, सर्वथा सर्वमालोच्य सभी प्रकार की परीक्षा करके रुग्ण का परीक्षण और उपक्रम युक्ति ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसी प्रकार से फिर कृमियों की चिकित्सा का वर्णन किया। कृमि की चिकित्सा का वर्णन समुत्थान स्थान संस्थान नाम प्रभाव और चिकित्सा, इस 7 प्रकार के घटकों के अनुषंग से वर्णन किया। जिस प्रकार से वैकारिक कृमि का वर्णन है, इसी प्रकार से सहज अवैकारिक कृमि भी अपरिसंख्य स्वरूप में शरीर में अवस्थित रहते हैं। वो सहज है, शरीर के सह निर्माण होते हैं और शरीर के साथ ही नष्ट होते हैं। फिर मलज पुरीषज रक्तज और कृमि श्लेष्मज कृमि की वर्णन किया, और उसमें से श्लेष्मज और पुरीषज कृमि का चिकित्सा, उसमें पहले अपकर्षण, फिर प्रकृति विघात के 4 कल्प और फिर निदान परिवर्जन का वर्णन किया। ये विशेष कल्प है, ऐसे रुग्ण में एक ही दिन में आस्थापन वमन विरेचन और सायंकाल को स्नान करके विलेपादि क्रम होने के बाद अनुवासन करना, ये एक ही दिन में या फिर 7 दिन के अंदर करना है। इसका विशेष चिकित्सा का वर्णन है, ये चिकित्सा विशेष वर्णन है, इसलिए विमान स्थान में वर्णन किया है। इतना कह के आज का व्याख्यान हम समाप्त करते हैं। कल का व्याख्यान नहीं होगा क्योंकि कल सुबह मुझे हॉस्पिटल ड्यूटी है, तो मुझे हॉस्पिटल जाना जाना पड़ेगा कॉलेज के हॉस्पिटल में, इसलिए कल हम लेक्चर नहीं ले पाएंगे। परसों सुबह मतलब 10 तारीख को सुबह 11 बजे हम विमान स्थान का आखिरी अध्याय 8वां अध्याय शुरू करेंगे। अब ये जो 8वां अध्याय है, ये बहुत बड़ा अध्याय, चरक का सबसे बड़ा अध्याय 8वां है। इसको हम 3 भाग में लेंगे, मतलब 3 दिन में वो पूरा अध्याय हम अध्ययन के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और फिर परसों सुबह 11 बजे 8वां अध्याय लेके हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।